हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज मेरे जीके सीरीज का पार्ट 7 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले पार्ट 6 वीडियो लेक्चर में हमने 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यूरोप के बारे में जाना था और उसकी कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज की कैपिटल जानी थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ओशानिया के बारे में जानने वाले हैं और उसकी सभी कंट्रीज की कैपिटल्स भी जानेंगे। तो देर किस बात की, तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट माय लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ओशानिया। तो आज मेरे टॉपिक 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ओशानिया के बारे में। सो व्हाट इज ओशानिया? ओशानिया इज कलेक्टिव नेम फॉर आइलैंड्स स्कैटर्ड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। व्हाट डज इट मींस? मींस दैट ओशानिया इज कलेक्टिव नेम फॉर आइलैंड। आइलैंड्स के लिए कलेक्टिव नेम है जो मोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन को कवर करते हैं। ओके, सो अप्रोक्सिमेटली देयर आर 10,000 आइलैंड्स इन ओशानिया कॉन्टिनेंट। देयर आर 10,000 आइलैंड्स, सो वी कैन से दैट ओशानिया 10,000 आइलैंड से बना हुआ है। ओके, सो वी नो दैट हमारे इन सारे 10,000, हमको ये नहीं पता कि कौन सा आइलैंड कौन सी प्लेस में है। सो वी नो, वी डोंट नो दैट हाउ वी कैन, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि वो कहाँ पर है। सो उसके लिए जो हमारे आइलैंड्स है उसको पहचानने के लिए रीजंस बनाए गए, मतलब फोर सब रीजन, जिसको आप फोर पार्ट्स भी कह सकते हैं। ओशानिया के जो 10,000 आइलैंड्स है उनको पहचानने के लिए फोर सब रीजन बनाए गए हैं, जिसको आप फोर पार्ट्स भी कह सकते हैं। सो दे आर, वो कौन कौन से? सो फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलेशिया, देन माइक्रोनेशिया, देन मलेनेशिया, देन पॉलिनेशिया। दीज फोर पार्ट्स आर फोर सब रीजन आर देयर। ये फोर पार्ट्स या फोर सब रीजन्स हैं जिसको हमने इन 10,000 आइलैंड्स को पहचानने के लिए इनके ग्रुप बनाए गए हैं, जिसको हमने ऑस्ट्रेलेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड मेलेनेशिया है। सो दिस इज द, नाउ अब हम ओशानिया कॉन्टिनेंट के बारे में एक कुछ फैक्ट्स जानते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। सो फर्स्ट इज 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज। मैंने यहाँ साइज नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ पर जगह नहीं थी। सो आई हैव रिटन दैट 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज। एशिया के अकॉर्डिंग ओशानिया को हम 7th लार्जेस्ट भी कह सकते हैं और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। 7th लार्जेस्ट इसलिए हम कह सकते हैं, 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज हमारी जो डिक्शनरी है जिसमें मैं अपने वीडियो बना रही हूँ उसमें मैंने लार्जेस्ट वर्ड ज्यादा रखा है। सो वी कैन से दैट 7th लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बिकॉज ये सबसे लास्ट कॉन्टिनेंट है। एरिया के अकॉर्डिंग जो लिस्ट है कॉन्टिनेंट की वो सबसे लास्ट है। सो वी कैन से दैट इट इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, लार्जेस्ट क्योंकि मेरी डिक्शनरी में ज्यादातर लार्जेस्ट है तो मैंने यहाँ पर 7th लार्जेस्ट लिख दिया है। ओके, और ये जो मैंने हेडिंग लिखी है 7th लार्जेस्ट, वो यहाँ 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया के अकॉर्डिंग यानी लैंड के अकॉर्डिंग लिखी है। ओके, 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग लिखी है। नाउ दिस इज क्लियर। सो सेकंड पॉइंट पे लिखे आती हूँ जो है सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन पॉपुलेशन आफ्टर अंटार्कटिका। ओके, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सेकंड स्मॉलेस्ट, वी कैन से दैट इट इज द सेकंड, हेयर इज द 7th लार्जेस्ट, सो वी कैन से दैट इट इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द पॉपुलेशन आफ्टर अंटार्कटिका। आफ्टर अंटार्कटिका मीन्स हम यहाँ से लास्ट से, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि अंटार्कटिका पहले कैसे आ गया। सो वी कैन से दैट ये अंटार्कटिका जो है वो लास्ट का है और लास्ट की बात वाला बता रहे हैं। सो जो अंटार्कटिका है वो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बिकॉज ये बिफोर आता है अंटार्कटिका के बिफोर आता है। सो वी कैन से ये सेकंड स्मॉलेस्ट है और वी कैन से दैट ये 6th लार्जेस्ट है, 6th लार्जेस्ट बिकॉज ये बस वन कॉन्टिनेंट बचता है। यस, अंटार्कटिका उसके बाद वन कॉन्टिनेंट बचता है तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका बस वन कॉन्टिनेंट बचता है तो इसको हम कह सकते हैं सेकंड स्मॉलेस्ट है और वी कैन से दैट ये 6th लार्जेस्ट है बिकॉज ये 7th के बिफोर आ रहा है तो वी कैन से इट इज 6th लार्जेस्ट। सो दीज टू पॉइंट्स आर क्लियर। सो देन थर्ड पॉइंट, देयर आर 14 कंट्रीज इन ओशानिया कॉन्टिनेंट। यस, देयर आर 14 कंट्रीज इन ओशानिया कॉन्टिनेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एशिया कॉन्टिनेंट में हमारे कितने कंट्रीज है, 48 कंट्रीज है, वैसे मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ओशानिया कॉन्टिनेंट में 14 कंट्रीज है। ओके, सो 14 कंट्रीज आर देयर। नाउ थर्ड इज क्लियर। सो देन फोर्थ पॉइंट इज,
दैट दिस पॉइंट इज वेरी इजी। यहाँ पर मैं आपको लैंड एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने कंट्रीज लिखे हैं, वो भी मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखे हैं, मतलब ओशानिक कॉन्टिनेंट पे कंट्रीज लिखे हैं लैंड एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। सो विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री बाय रैंकिंग एरिया, इट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम कोई कंट्री कहते हैं और कोई आइलैंड कहते हैं। सो आइलैंड में हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया सबसे लार्जेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ओशानिया का, ओके। और इसको हम कोई लोग क्या कहते हैं, कोई लोग इसको हम कंट्री भी कहते हैं, तो वी कैन नो। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना, कोई कहते हैं ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, और कोई कहते हैं कि आइलैंड से तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। बट ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ओशानिया कॉन्टिनेंट का। नाउ इट इज कल देन पापुआ न्यू गिनी, सो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन ओशानिया बाय लैंड एरिया, देन इंडोनेशिया, देन न्यूजीलैंड, देन नाउरू, ओके। दीज आर द लैंड एरिया के अकॉर्डिंग जो है ना, जो नाउरू इज द सबसे लार्जेस्ट। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि पॉइंट का मीनिंग क्या है, जैसे मैं आपको और सब वीडियो में बताते आ रही हूँ कि ये वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती है अगर मैं आपको ज्यादा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बताऊं, तो मैंने क्या करा, सीधे आपको स्मॉलेस्ट बता दिया और ज्यादातर मैंने आपको 2, 3, 4, 5 मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, 4 मैंने आपको बता दिया जो लाइन से बताया है, और उसके बाद मैंने आपको सीधे स्मॉलेस्ट बता दिया जिससे वीडियो लेंथी ना हो और बड़ी भी ना हो, ओके। सो लैंड एरिया के अकॉर्डिंग हमको पता चल गया, देन आता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा लार्जेस्ट है, ओके। द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि ऑस्ट्रेलिया लैंड एरिया के अकॉर्डिंग में सबसे लार्जेस्ट था, और यहाँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी ये लार्जेस्ट है, तो वहां भी टपका दोनों जगह टपक गया। सो देन मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया आइलैंड भी है, देन पपुआ न्यू गिनी, यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था एरिया के अकॉर्डिंग, और यहाँ भी वही है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। देन फिजी, सो जो फिजी है वो थर्ड लार्जेस्ट का, यहाँ पर कहीं भी फिजी नहीं आया, बट इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ओशानिया में थर्ड लार्जेस्ट है। देन सोलोमन आइलैंड, दो ये जो सोलोमन आइलैंड है ये एक आइलैंड है, और ये जो सोलोमन आइलैंड है ये जो सोलोमन आइलैंड है ये फोर्थ लार्जेस्ट है, ये फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है देन पॉपुलेशन, इसको हम आइलैंड भी कहते हैं पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ कहीं भी नहीं आया, बट हेयर ये यहाँ पर आ गया, और ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फोर्थ लार्जेस्ट है। सो सोलोमन आइलैंड जो है उसको हम आइलैंड भी कहते हैं और कंट्री भी कहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया को हम कंट्री भी कहते हैं और आइलैंड भी कहते हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ भी सोलोमन आइलैंड एक कंट्री भी है और आइलैंड भी है दोनों। सो देन डॉट डॉट का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि ज्यादा लेंथी होने की वजह से मैं आपको यहाँ पर सीधे 14 कंट्रीज नहीं बता दी। सो देन विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन इज नाउरू। नाउरू सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपने एरिया के अकॉर्डिंग भी देखा था, एरिया के अकॉर्डिंग नाउरू सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री था और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में वो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री था। नाउ सिक्स्थ में ये क्या बता रहे, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द ओशनिया इज ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि मैंने आपको इन फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट पे ही बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है ओशनिया का, ओके। ये पूरे वर्ल्ड का नहीं है, यहाँ पर ये ओशनिया की बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड के हिसाब से वो कौन से लाइन में है, बट हेयर ओशनिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। सो और आपने यहाँ पर देखा कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो पॉपुलेशन और एरिया के अकॉर्डिंग दोनों में लार्जेस्ट है, और नाउरू आपने देखा, नाउरू पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और एरिया के अकॉर्डिंग दोनों में स्मॉलेस्ट है। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स और इसके बारे में समझ में आ गया होगा, तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और मैं आपको सेवन्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ओशानिया के सभी कंट्रीज की कैपिटल बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया, द कैपिटल इज कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा। देन फिजी, द कैपिटल ऑफ फिजी इज सोवा, एंड देन किरीबाटी, द कैपिटल ऑफ किरीबाटी इज तरावा। देन माइक्रोनेशिया, द कैपिटल ऑफ माइक्रोनेशिया इज पालिके। Then the capital, the country is Nauru, okay? The Nauru
Nauru's capital is Yara district. Nauru, Yara district. I want to tell you that Yara district is not a official capital of the Nauru. So it means that Nauru has not its official capital. Then the country is New Zealand. The capital of New Zealand is Wellington. New Zealand, Wellington. Then Palau. The capital of Palau is Nairolmar. Palau, Nairolmar. Then the capital, the country is Papua New Guinea. Papua New Guinea. The capital of Papua New Guinea is Port Moresby. Port Moresby. So the country is Samoa. So the capital of Samoa is Apia. Apia. Samoa, Apia. Then the country is Solomon Island. The capital of Solomon Island is Honiara. Honiara. The Solomon Island, then Honiara. The country is Tonga. Then the capital of the Tonga is the Nuku'alofa. Nuku'alofa. Then the country is Tuvalu. Tuvalu. So the capital of Tuvalu is the Funafuti. You can see here Funafuti. The country is Vanuatu. Vanuatu. So the capital of Vanuatu is Port Vila. Port Vila. Then the country is Marshall Island. Marshall Island. The capital of Marshall Island is Majuro. Majuro. So I hope आपको country and capital clear हो गई होगी. तो अब आप इसका screenshot ले सकते हैं. So friends, आज आपने 7th largest continent ओशनिया के बारे में जाना और उसकी सभी countries की capital भी जानी. तो अगर आप मेरे channel पे new है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल पाए. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.